वेलकम स्टूडेंट, आज हम क्लास सिक्स में मैथ्स के अंदर फ्रैक्शन चैप्टर में प्रश्नावली 7.3 एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। 7.3 में देखिए, 7.3 एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास है कि पहला क्वेश्चन, प्रत्येक चित्र में छायांकित भाग यानी कि शेडेड पोर्शन के लिए भिन्न लिखने लिखिए, क्या ये सभी भिन्न तुल्य है यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास है एक सर्कल जिसके दो भाग किए हुए हैं, तो छायांकित भाग को हम क्या लिखेंगे बताइए। अरुण बताइए, इसको इस छायांकित भाग को हम क्या लिखेंगे, इस भिन्न को क्या लिख सकते हैं हम? वन अपॉन टू। देखिए तो ये 1/2 है यानी कि ये भिन्न है, अंश 1 और हर 2, 1/2। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर कितने हैं? 4/2। नहीं, दो भाग छायांकित है, इसको लिख सकते हैं दो भाग छायांकित है 4 में से, तो 2/4 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 भाग छायांकित है, तो इसको लिखेंगे 3/3 में कुल कितने हैं ये 6, तो 3/6 लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4 भाग छायांकित हैं, टोटल कितने हैं हमारे पास 8 है, तो 4/8 लिख सकते हैं। तो अब ये पूछा गया है कि क्या ये भिन्न समतुल्य भिन्न है। देखिए ये 1/2 है, अगर इसको भी अगर हम काट दें, अगर इसको हम काटे 2 से भाग करें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये भी 1/2 आ रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आ रहा है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी 1/2 आ रहा है। तो देखिए ये सभी 1/2 है। अगर हम अगर सर्कल को ध्यान से देखें तो सभी के का आधा भाग जो है वो छायांकित है, पूरा आधा आधा भाग छायांकित है, तो ये सभी समतुल्य भिन्न है। तो लिखेंगे हाँ, ये सभी समतुल्य भिन्न है। इसी का बी भाग देखते हैं। बी भाग के अंदर हमारे पास देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 4 ये हमारे पास छायांकित है, तो हम इसको लिखेंगे ये हमारे पास हो गया 4/12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4/12 हो गया ये हमारे, इसको 4/12 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है 3/3 में कितना है ये 9 भाग, 3/9 लिख सकते हैं इसको। इसको कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2/6 लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं, 1/3 में से 1/3। इसको कितना लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाग कितने में से छायांकित है, 6, 4, 10 और 5, 15, 6/15 लिख सकते हैं इसको। तो क्या ये सभी समतुल्य हैं? यहाँ पे अगर हम देखें ये 4/4 जो से भाग हो रहा है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3 लिख सकते हैं इसको। इसको 3 एकम 3, 3 तिया 9, इसको भी 1/3 लिख सकते हैं। ये 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये भी 1/3 लिख सकते हैं, ये 1/3 है ही। और यहाँ पर 3 से भाग कर 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, ये 2/5 है, ये 2/5 है, ये सभी, तो ये चारों समतुल्य है लेकिन ये समतुल्य नहीं है। अगर हम कहें ये सभी, तो ये सभी समतुल्य नहीं है, क्योंकि ये 4 तो सही है 1/3 के बराबर है, लेकिन ये 1/3 के बराबर नहीं है, तो ये सभी समतुल्य भिन्न नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो समतुल्य भिन्न वे होते हैं जिनमें पूरे भाग में अगर देखें तो बराबर भाग छायांकित हैं। अगला क्वेश्चन है, छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखिए और प्रत्येक पंक्ति में से तुल्य भिन्नों को चुनिए। यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 भाग से 1 छायांकित है, 1/2 लिख सकते हैं इसको। 6/4 गलत है भाई, 4 भाग छायांकित है, कितने में से 6 में से 4/6 होगा। यहाँ पे देखिए 3/9 होगा ये, 3/9। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 4 पहले देखिए 4 तो ये खाने, 4 भाग छायांकित है, नहीं 4 नहीं सॉरी 2 ही है, 2 भाग छायांकित है, कितने में से 2 और 8 में से, 2/8 होगा ये, 2 भाग में 8, 3/4, 3 भाग छायांकित है 4 में से, 4 में से 3 भाग छायांकित है, 3/4। अब इसमें से कौन कौन से समतुल्य है ये देखना है,
देखो ये एक बटे दो, इसको न्यूनतम को तो मैं न्यूनतम में नहीं कर सकते आप, ये दो से भाग हो सकता है, दो एकम दो और दो तीन छः, ये दो बटा तीन है, ये तीन एकम तीन, तीन तीन नौ, ये एक बटा तीन है, इसको दो से भाग कर सकते हैं, दो एकम दो, दो चौकू आठ, ये एक बटा चार है, ये भाग नहीं होगा। तो इनमें से क्या कोई समतुल्य है आपस में? इसमें से तो कोई भी समतुल्य नहीं है, इनमें से कोई समतुल्य नहीं है। दूसरे में देखते हैं आपस, ये वाला देखते हैं, इसमें हमारे पास देखिए एक दो तीन चार पाँच छ, छह भाग छायांकित है, कितने में से? टोटल देखिए छह, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, अठारह में छह, छह बटे अठारह है। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये कुल एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, कुल आठ भाग है, तो भाग में आठ हो गया, और ऊपर कितने हैं? चार भाग छायांकित है, तो चार बटे आठ हो गया, चार बटे आठ हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कुल भाग कितने, एक दो तीन चार, चार दुनी आठ, चार तिया बारह, चार छक सोलह, कुल सोलह है, भाग में सोलह हो गया, छायांकित कितने हैं? एक दो तीन चार, चार चार आठ, चार तिया बारह, बारह बटा सोलह हो गया भैया। यहाँ पे देखिए कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ छायांकित है और टोटल कितने हैं? आठ चार बारह, बारह है टोटल, आठ बटे बारह लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए कुल कितने भाग छायांकित है, एक दो तीन चार, चार भाग छायांकित है और कितने हैं? दो दो चार दो छ दो आठ, आठ दूनी सोलह, तो चार बटे सोलह लिख सकते हैं इसलिए। अब इसको इस भिन्न के समतुल्य क्या भिन्न है, देखिए छह से भाग कर सकते हैं दोनों को, छह कम छह, छह तीया अठारह, एक बटा तीन लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं, चार से भाग हो जाएंगे दोनों, चार एकम चार, चार दूनी आठ, तो एक बटा दो लिख सकते हैं। यहाँ पर कितने से कॉमन, चार से भाग हो रहा, चार तीया बारह, चार चौक सोलह, तीन बटे चार लिख सकते हैं, ये चार से भाग हो जाएगा, चार दूनी आठ, चार तीया बारह, दो बटा तीन लिख सकते हैं, और ये चार एकम चार, चार चौक सोलह, एक बटा चार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर देखें तो समतुल्य भिन्न आपस में कौन कौन सी, देखिए ये एक बटे तीन है, ये एक बटे तीन है, ये इसके समतुल्य है, तो तीन बटे नौ और छह बटे अठारह, ये समतुल्य है, एक बटे चार, एक बटे चार, एक बटा दो ये है, ये एक बटे दो, चार बटे, चार बटे आठ के समतुल्य है, दो बटे तीन ये है, यानी चार बटे छ, ये चार बटे छ, आठ बटे बारह के समतुल्य है, ये हो गया एक बटे चार, ये एक बटे चार, ये दो बटे आठ और ये चार बटे सोलह, ये समतुल्य है, तीन बटे चार और ये हमारे पास ई जो है वो तीसरे के समतुल्य है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से आपस में समतुल्य भिन्न, तो इस प्रकार से कर सकते हैं हम समतुल्य भिन्न। पहले भिन्नों के रूप में लिखिए, दी गई आकृति को भिन्नों के रूप में लिखिए और फिर समतुल्य कौन कौन सी है हम देख सकते हैं। आगे है हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आता है, खालिस्तान भरे, निम्न में से प्रत्येक में ये खालिस्तान है को सही संख्या के रूप में, सही संख्या के रूप में, यहाँ पे हमें, मैं इसको और बड़ा करता हूँ, देखिए सही संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए, क्या आएगा? देखिए दो बटे सात है, इसके समतुल्य क्या आएगी बताओ? चार कैसे आएगी भाई? देखिए टू फोर का हो रहा है यहाँ पे, टू फोर, दो को चार से गुना हुआ तो आठ आया कि नहीं आया? यस सर। तो अब क्योंकि दो को चार से गुना किया गया तो नीचे भी चार से गुना करो, सात चौक अट्ठाईस आना चाहिए, यहाँ अट्ठाईस आपका आंसर होगा सही, समझ में आ रही बात? ये क्योंकि दो को चार से गुणा करने पर आया तो सात को किससे गुणा करते हैं? चार से, क्या होगा? सात को चार से गुणा कर देंगे तो अट्ठाईस आ जाएगा। पांच को किससे गुणा किया गया? दो से गुणा किया गया तो दस आया हमारे पास, आठ को दो से गुणा किया तो सोलह आएगा, तो ये आएगा पांच बटे आठ के समतुल्य हो जाएगी दस बटे सोलह।
तीन बटे पांच है। अब देखिए यहाँ पे हर में 20 आ रहा है, तो पांच को चार से गुणा करने पे 20 आ रहा है ना, तो 300 क्या होगा? 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, 45 है यहाँ, 60 है यहाँ पर। 45 को किससे डिवाइड किया गया कि 15 आया? सर तीन। हाँ, 45 को यहाँ पे तीन से भाग किया गया तो 15 आया हमारे पास। 45 को तीन से भाग करने पर 15 आता है। ऐसे ही 60 को अगर तीन से भाग करेंगे तो क्या आएगा सर? 20 आएगा। 20 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। तो ये 15/20 हो जाएगा इसके समतुल्य। 18/24 है। 24 को किससे भाग किया गया कि 6 आया 4 आया? 24 को किससे भाग किया गया? 6 से भाग किया गया। 24 को 6 से भाग करने पर 4 आ रहा है, तो ऐसे ही 18 को जब 6 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा? 3 आ जाएगा। 3/4 आ जाएगा। 3/4 18/24 के समतुल्य है। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है पेपर में। 3/4